नवनाथ लांडगे और आनंद बोईटे शुरुआत करेंगे इस पारी की। 63 रनों का लक्ष्य होगा, 120 गेंदे मिलेंगी। क्या होगा इस कहानी का अंजाम? कौन सी टीम केटी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 8 की विनर होगी? गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सज्ज होंगे, मुझे लगता है प्रेम। स्ट्राइक एंड पर आनंद बोईटे, नॉन स्ट्राइक एंड पर नवनाथ लांडगे, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी मार्ग पर उमा शंकर। लेट्स प्ले, होगी पारी की शुरुआत। चलिए रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए, इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। गेंदबाजी मार्ग पर उमा शंकर, टीम के विकेट टेकर गेंदबाज, लेकिन सामने उतने ही घातक बल्लेबाज। पहली गेंद पर नजरें जमाई, डिफेंसिव स्ट्रोक खेलकर सम्मान दिया। अगली गेंद पर भी अच्छा संपर्क, लेकिन रन नहीं मिलेगा। फिर एक बार, इस बार मुझे लगता है गलती की, खिलाड़ी ने देखिए गैप ढूंढा गया, और जहां पर सिंगल लेना रिस्क भरा काम था, वहां पर सिंगल के बाद दूसरा रन भी टीम के खाते में जोड़ेंगे बैटर बल्लेबाज।
फिर एक बार गेंदबाज तैयार होंगे। इस बार भी डिफेंसिव स्ट्रोक खेलकर निकाला, क्या सिंगल लिया जाएगा? डायरेक्ट हिट अगर होगी तो काम तमाम हो सकता था। स्टंप्स के काफी करीब से दिनेश का ये थ्रो हमने देखा। इस बार भी गेंद को दिशा दर्शाई लेकिन बिल्कुल भी रन नहीं दिया जाएगा। अच्छा स्टॉप वहां पर देवराज द्वारा। नवनाथ लांडगे द्वारा भी इस गेंद को सम्मान दिया गया, यानी कि ओवर की होगी समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एमपी स्ट्राइकर्स टीम के 3 रन। गेंदबाजी मार्ग पर होंगे प्रेम राजपूत। अच्छा संपर्क होगा लेकिन गैप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अच्छा स्टॉप वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। इस बार बड़ा प्रहार आनंद भोईटे की बैट से। ओहो खिलाड़ी बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे दीवाने। 4 रन्स। इस बार भी गैप ढूंढने की तलाश होगी लेकिन क्रिकेट दर्शाया बैटर बल्लेबाज आनंद भोईटे ने। इस बार स्ट्राइक एंड पर होंगे नवनाथ। ओहो बैट तो काफी जोर से घुमाया गया लेकिन संपर्क बिल्कुल भी जैसे चाहिए था वैसा नहीं।
बार डिफेंसिव स्ट्रोक खेलकर निकाला गया, सिंगल चुराया। इस ओवर की समाप्ति के बाद दिनेश को जो मेडिकल हेल्प चाहिए, एक बॉल बाकी है। इस ओवर की समाप्ति के बाद दिनेश आप प्लीज संपर्क करें, और माही आप भी। माही आपको आना होगा। इस बार भी लोअर फुट और गेंद की दिशा दर्शाई, दिनेश के हाथों से गेंद छिटकी, लेकिन बिल्कुल भी रन नहीं होगा। चलिए दिनेश, रिक्वेस्ट करूंगा शायद आपको कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए, इसलिए संपर्क करें। पिछली इनिंग में आखिरी जो रनआउट हमने देखा, उस रनआउट में एफर्ट जो दिनेश का था, शायद उससे कुछ चोट होने लगी। और दिनेश के जगह पर मुझे लगता है एक अतिरिक्त टीम का खिलाड़ी सर्वेश मैदान के अंदर दाखिल होंगे। माही आप जहां पर कहीं हो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट्री बॉक्स में आए। नाइन रन्स विदाउट लॉस, गेंदबाजी मार्ग पर फिर से उमाशंकर। बड़ा प्रहार करने की कोशिश की गई, लेकिन रफ्तार के साथ स्विंग वहां पर देखने मिलेगा और बीट होंगे बैटर बल्लेबाज। फिर से वही कहानी, इस बार भी संपर्क बिल्कुल नहीं। इस बार प्रहार किया जाएगा बड़ा, लेकिन देखेंगे हम वहां पर लॉन्ग ऑफ में। मुझे लगता है रोहित विश्वकर्मा टीम के लिए अच्छी फील्डिंग करेंगे, सिंगल मिलेगा बैटर बल्लेबाजों को और एक रन एक अंक टीम के खाते में जोड़ दिया जाएगा। फिर से बैट का बाहरी किनारा लगा, लेकिन रन बिल्कुल भी नहीं। अच्छी फील्डिंग देवराज द्वारा शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में। इस बार विकेट कीपर एफर्ट लगाएंगे, लेकिन अंपायर का इशारा होगा वाइड बॉल।
तीन षटकांचा खेळ संपल्यानंतर धफलकावरती 12 धावा। फ्रांसिस डिसूजा को गेंदबाजी मार्ग पर हम देखेंगे, सामना करेंगे आनंद राव बोईटे। ओहो अच्छी गेंदबाजी, सम्मान दिया। फील्ड में तब्दीली हमें देखने मिलेगी, जो थर्ड मैन के खिलाड़ी थे उन्हें सर्कल के दायरे में तैनात किया गया। अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रेम राजपूत द्वारा। ओहो यहाँ पर कांटा बदलती हुई गेंद यहाँ देखने मिली। फिर से गेंद हवा में होगी और कैच नहीं लपका जाएगा, देवराज होंगे दूर। इस बार भी दिशा दर्शाई, गैप ढूंढने की कोशिश, क्या रन मिलेगा? बिल्कुल ओहो करीबी मामला हो सकता है, तीसरे अंपायर को चेक करना पड़ेगा क्या होगा।
साहिल सर प्लीज कांटेक्ट, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि काफी करीबी मामला है। सेलिब्रेट किया जा रहा है लेकिन अब तक तीसरे अंपायर का निर्णय खुद अंपायर ही जगह पर आकर देंगे, अपनी जगह पर आएंगे और फिर डिसीजन देंगे। चलिए बाकी प्लेयर्स आप अपनी जगह ले लीजिए। और तीसरे अंपायर का और मुख्य अंपायर का निर्णय होगा OUT, बैटर इज गॉन। थ्रो किसने किया है? नाम दिनेश, नाम बताइए। ठीक है, नाम पता नहीं चला, किसी एक खिलाड़ी के नाम पर वो विकेट जाएगा। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान में दाखिल होंगे, नाम होगा प्रेम लांडगे। इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक खेला गया, क्या जो रन होगा पूरा डेफिनेटली, लेकिन उससे बढ़िया यहां पर मैं फील्ड का क्रेडिट खिलाड़ी को देना चाहूंगा। अच्छा एफर्ट, गुड स्टॉप किया गया उस गेंद को, मुझे लगता है अमित यादव इनकी ओर से सिंगल लिया गया। ओवर की ओवर की होगी समाप्ति, चार ओवर का खेल समाप्त होगा और स्कोर कार्ड होंगे 13-13 एक विकेट के नुकसान पर।
उमा शंकर तेज तर्रार गेंद डालकर बैटर बल्लेबाज को चकित करेंगे। हेलो 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 ऑफ के लेते हैं हमारे Thank you.
चौका पाया यहाँ पर बल्लेबाज बैटर ने, अच्छा स्ट्रोक अच्छा प्रहार किया गया और अंपायर को बाजुए खोलने का मौका मिला। चौके की मदद से टीम का स्कोर होगा 27-27 और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। ओवर की समाप्ति, पहली गेंद पर डबल था, उसके बाद एक डॉट, उसके बाद सिंगल डॉट, एक फोर। एक वाइड था, कौन सी गेंद वाइड थी सर? पहला ही बॉल वाइड था, ओके दूसरा दूसरी गेंद वाइड थी। चलिए फिर आखिरी गेंद होगी, हाँ फिर स्कोर कार्ड के ऊपर भी 28-28 होंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की, शेष 28 रन होंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। 63 का पीछा किया जा रहा है अब तक, बैटिंग बल्लेबाजी एमपी स्ट्राइकर्स की ठीक ठाक, गेंदबाजों को एमएम सनराइजर्स के भी कमाल दिखाना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। इस बार अंदर आती हुई गेंद थी लेकिन दर्शाया दिखाया वहां पर फ्रांसिस ने भी कि अच्छी गेंदबाजी मैं भी कर सकूंगा कर सकता हूँ। ओवर की समाप्ति इस बार डेफिनेटली होगी, 6 ओवर का खेल समाप्त होगा, 28 रन बनाए गए अब तक 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार छोर बदले जाएंगे, खिलाड़ी आपस में बात करेंगे, लिटिल बिट चैट करेंगे और बैट्स किस प्रकार से चलाए। फुलर प्रकार की गेंद थी, संपर्क तो किया है, क्या रनआउट का मौका बना पाएंगे खिलाड़ी? रोहित विश्वकर्मा को शायद हल्की सी चोट वहां पर लगी लेकिन पुनः उन्होंने खुद को गेंद पर नियंत्रण पाने के लिए सज्ज किया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओहो गति परिवर्तन की गेंद से छकाया इस बार लेकिन भले ही बैट से संपर्क ना हुआ हो, दौड़कर ये रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। 22 के रूप में एक रन एक अंक टीम के खाते में जब ऐड होगा, डिपॉजिट होगा। अब भी 33 रनों की दरकार, गेंदें काफी शेष है लेकिन ओहो इस बार काफी देर तक गेंद हवा में थी। मुझे लगता है वहां पर सर्वेश होंगे और उन पर नाराजगी जताई जा रही है क्योंकि पता है वहां पर उमा शंकर को भी, जयवंत पाटिल को भी कि कैच लपका जा सकता था सर्वेश द्वारा लेकिन उन्होंने वेट किया, प्रतीक्षा की गेंद की,
लेकिन इस बार कहना पड़ेगा प्रतीक्षा कर कर नहीं चलेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर से अंदर की ओर मुड़ती हुई गेंद डालने की कोशिश की उमा शंकर ने, लेकिन सीधे बल्ले से उस गेंद को गैप पे ढकेला। गेंदबाज के काफ़ी नज़दीक से उस गेंद को ट्रैवल किया गया, लेकिन फिर से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, मिड ऑफ के खिलाड़ी माफ़ कीजिएगा, रोहित विश्वकर्मा गेंद पर नियंत्रण पाएंगे। थर्टी वन 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। नवनाथ फिराव फिर एक बार ऑन स्ट्राइक होंगे और इस बार सम्मान करेंगे इस गेंद का। ओवर की होगी समाप्ति, 7 ओवर का खेल होगा समाप्त। 31-31 एमपी स्ट्राइकर्स 1 विकेट के नुकसान पर। फ्रांसिस डिसूजा फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार दिशा तो दर्शाई गई। खिलाड़ी भी वहां पर लंबी रेस लगाएंगे, गेंद को स्टॉप करने की कोशिश वहां पर होगी और लेग वाइज का इशारा अंपायर का, 2 रन टीम के खाते में मुकम्मल। इस बार गैप ढूंढने की कोशिश, उतनी बढ़िया अच्छी सी फील्डिंग होगी, लेकिन रन्स लेने से नहीं रोक पाएंगे बैटर बल्लेबाजों को। इस बार सीधे बल्ले से मैं कहूंगा कि दिशा दर्शाई गई, गैप में उस गेंद को ढकेला देवराज, कुछ दूर होंगे लेकिन बैटर बल्लेबाज रन चुराएंगे। इस बार भी एक्रोस दी बैट शो खेलना चाहते थे बैटर बल्लेबाज, लेकिन
रन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओवर की होगी समाप्ति, 8 ओवर का खेल समाप्त, 35-35 एक विकेट के नुकसान पर टीम एमपी स्ट्राइकर्स। गेंदबाजी मार्ग पर अविघ्न, एक युवा टैलेंटेड और प्रतिभावान खिलाड़ी। देखिए किस प्रकार से सामना किया जाएगा, लेकिन सामने उतने ही तगड़े ताकतवर खिलाड़ी नवनाथ लांडगे। फिर एक बार चकमा दिया यहाँ पर, हल्की सी अपील करने की कोशिश विकेट कीपर करेंगे, लेकिन खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा बैटर बल्लेबाज को। देखिए दो में से दो गेंदे यहाँ पर बिंदी है, डॉट है, 35-35 पर स्कोर कार्ड होगा। इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश थी, चतुर है, चालाक है, चंचल है गेंदबाज अभिघ्न। और यहां पर थोड़ी देर पहले हमारे सुमित साबड़े का मोबाइल मिला नहीं था, उनके मन में हलचल थी। सभी खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आपकी जो भी कीमती चीजें होती है आप खेलिए, लेकिन अपनी चीजों का ध्यान रखिए। सुमित सर, वी रिक्वेस्ट टू यू प्लीज। इस बार भी प्रेम लांडगे को संपर्क नहीं करने दिया जाएगा। बिंदी गेंद डॉट बॉल, और इस बार लाउड अपील होगी, क्या किनारा लगा है,
लेकिन बैटर बल्लेबाज ने खुद यहां पर दर्शाया यस जी हाँ। रिक्वेस्ट करूंगा इस स्पोर्ट्समैनशिप के लिए सभी को तालियां बजानी होगी। वेल डन। हमारे कैमरामैन भी देखिए दर्शाएंगे कि कौन था वो खिलाड़ी जिसने यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप दर्शाई। नाम है प्रेम लांडगे, क्योंकि सबसे पहले बैटर बल्लेबाज को ही पता होता है कि किनारा लगा है या नहीं। वेल डन। न्यू बैटर नए बल्लेबाज मैदान में दाखिल होंगे। नाम होगा सलीम, न्यू बैटर। थर्टी सिक्स, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है दो विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी मार्ग पर होंगे गेंदबाज फ्रांसिस डिसूजा। मुझे लगता है यहाँ पर अपना आखिरी ओवर लेकर मैदान में दाखिल होंगे फिर से गेंदबाजी मार्ग पर। 12 रन अब तक तीन ओवर में खर्च किए, सफलता उन्हें नहीं मिली, लेकिन क्या इस ओवर में सफलता पाएंगे। इस बार आते ही स्वागत किया है और कहा कि मैं अब दूंगा खिलाड़ी के मस्तक पर छक्के के दस्तक। क्योंकि नवनाथ लांडगे को आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते, उनका रोल ही होता है हार्ड हिटिंग। हर बार जब मैदान में दाखिल होते हैं तब सोचते नहीं और पहली गेंद से आक्रमण करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा समय लिया गया कि उन्हें पता है विकेट पर यहाँ पर हम अगर रुकेंगे तो रन्स भी शुरू होंगे। फिर से बड़ा प्रहार, बैट काफी जोर से वहां पर बल्ले पर लेकर जाने में सफल है लेकिन केवल मिलेगा एक। लेकिन अगली गेंद पर बैकफुट पर जाकर सलीम ने ट्राई किया था उस गेंद को कट करना चाहा था लेकिन हुआ नहीं जैसा उन्होंने सोचा। 43-43 बन चुके हैं अब तक, अब भी 20 रनों की दरकार है। फिर से फुलर प्रकार की यह गेंद थी, इस बार गति परिवर्तन नहीं बल्कि गति स्पीड थी, रफ्तार थी, रफ्तार से गिरफ्तार किया भी गया। इस बार आगे बढ़कर बड़ा प्रहार करना चाहा था उन्होंने लेकिन ओहो सेलिब्रेशन देखा हमने फ्रांसिस डिसूजा का। क्लीन बोल्ड होकर मैदान के बाहर लौटेंगे सलीम और मैदान में दाखिल होंगे न्यू बैटर नए वाले बाद जिनके नाम आज के दिन में और मैं कहूँगा पूरी प्रतियोगिता में 5 विकेट अपने नाम करने का कीर्तिमान है। नाम होगा तानाजी तावरे।
43, 43 पर तीसरा बैटर बल्लेबाज मैदान के बाहर जाते हुए हमने देखा। लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर बैट बल्ला काफी जोर से घुमाया गया और रन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि काफी करीब से गेंद गुजरी बैट और बल्लेबाज के। आखिर की आने वाली 60 गेंदों में केवल 20 रनों की दरकार है। चर्चा होगी यहाँ पर बैटर बल्लेबाजों के बीच, लिटिल बिट चैट होगी, क्या बैट चलाएंगे या फिर सिंगल डबल्स पर ही विश्वास जताया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अपनी डिक्शनरी में सिंगल डबल का ज़्यादा जिक्र ना करते हुए करने वाले खिलाड़ी नवनाथ लांडगे शायद यहाँ पर कुछ आक्रामक शॉट्स खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन सामने भी उतना ही इम्प्रेसिव बॉलर यानी कि इस प्रतियोगिता में अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ने वाला गेंदबाज अभिघ्न। पहली गेंद खराब, यहाँ पर दंडित किया गया अंपायर द्वारा। दिशा से डेफिनेटली अगर भटकोगे जनाब तो हमारी नजरों में भी खटकोगे। इस बार स्लाइस तो किया है, कट किया है उस गेंद को, थ्रो किया विकेट कीपर की दिशा में, लेकिन तब तक एक सिंगल चुराया जाएगा। बैटर बल्लेबाज की रीच से दूर रखने में सफल तो हो रहे हैं गेंदबाज अभिघ्न और मजबूर कर रहे हैं उन्हें कि गेंद को हवा में खेला जाए और एक विकेट क्यों ना मैं भी अपनी टीम के लिए चटकाऊं। इस बार संपर्क किया तानाजी ने और देखा हमने वहां पर अच्छा एफर्ट, अच्छा प्रयास खिलाड़ी द्वारा, सिंगल को डबल में परावर्तित किया, तब्दील किया। फिर से तानाजी ने भी नवनाथ की तरह ही मुझे लगता है गैप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बैट से बिल्कुल भी गेंद का संपर्क न कर सके। इस बार फ्लिक किया, कुछ देर तक गेंद हवा में होगी, गैप वहां पर ढूंढा गया है, देखेंगे क्या सिंगल के बाद रन्स मिलेंगे। डेफिनेटली कोशिश की गई और 2 रन टीम के खाते में मुकम्मल। अच्छा कॉल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 अंकों की मदद से टीम का स्कोर होगा 49-49। और इस बार बड़ा प्रहार करने के बाद भी केवल सिंगल पर ही खुश होना होगा, संतुष्ट होना पड़ेगा बैटर बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ एमपी स्ट्राइकर्स टीम के 50 रन मुकम्मल होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर, 50 कम्स अप। और 50 के बाद बड़ा प्रहार, लेकिन रोहित अगर वहां पर मौजूद भी होंगे तब भी बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे इस लाजवाब नवनाथ लांडगे इनके बैट से आने वाले ब्रांडेड छक्के के दीवाने। काफी करीब से गेंद गुजरी, देखा हमने जब खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे रोहित, लेकिन जाहिर सी बात है जितना डिस्टेंस उन्हें यानी कि बैटर बल्लेबाज नवनाथ को चाहिए था उतना मिला और गेंद को ट्रेवल कर दिया गया। अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर रन्स होंगे अब तक 56, 56 तीन विकेट के नुकसान पर, अब केवल 7 रनों की दरकार। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज होंगे मुझे लगता है अमित यादव,
म्हणतात सात धावा जरी असल्या तरी आपण शेवटपर्यंत लढू. फिर से बैट यहां पर, बल्ला काफी जोर से घुमाया. पहली गेंद पर सिंगल मिलने के बाद जाहिर सी बात है दूसरी गेंद पर बड़ा प्रहार कर मैच को खत्म करने की कोशिश यहां पर नवनाथ करेंगे और करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब केवल एक अगर प्रहार किया तो मैच खत्म हो सकता है. कुछ इसी तरीके से प्रहार किया है, क्या डिस्टेंस कवर होगा, रन्स मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, डाउन दी बॉल होंगे सर्वेश शिंदे और मैदान के बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा नवनाथ लांडगे को. बजाओ. पर चौथा बैटर बल्लेबाज मैदान के बाहर नवनाथ लांडगे के रूप में और न्यू बैटर नए बल्लेबाज मैदान में दाखिल होंगे महेश पिंगले. लेफ्ट हैंडेड है, ऊंचे कद काठी के खिलाड़ी है और लगभग 42-42 उम्र है, यानी कि यस कहना पड़ेगा. फ्रांसिस डिसूजा सर, आपको कोई तो एक पार्टनर है जो आप ही के उम्र के है, लगभग 40+ है, दोनों खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी है. देखेंगे अब क्या होगा. अमित यादव तैयार है लेकिन गलत गेंद कर बैठे, व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा. केवल 5 रनों की दरकार है, अब तक 58 हो चुके हैं. अमित यादव ने हमने देखा इसके पहले की गेंद पर सफलता अपने नाम की. प्रहार किया जोरदार है, देखेंगे खिलाड़ी एक बार मौजूद होंगे फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में. रोहित सिंगल मिलेगा, अब तानाजी तावरे होंगे उस स्ट्राइक एंड पर. शायद आज का दिन तानाजी का है तो मैच भी तानाजी के बैट से ही शायद खत्म करने की कोशिश होगी. प्रहार किया लेकिन फिर एक बार मुझे लगता है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी सर्वेश वहां पर तेजी से दौड़ लगाएंगे. थ्रो किया, थ्रो वहां पर गलत लेकिन 2 रन बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे. 61 रन, केवल 2 रनों की दरकार. फ्लिक किया इस गेंद को, काफी देर तक गेंद हवा में होगी. फील्ड काफी अच्छी होगी वहां पर मुझे लगता है दिनेश द्वारा और स्कोर्स आर लेवल. ओवर की समाप्ति 62-62 पर 4 अब तक की स्थिति और एम पी स्ट्राइकर्स जीत के काफी करीब.
जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। दरवाजे पर बस आपको नॉक करना है और एक कदम आगे बढ़ाना है। लगभग एक कदम तो आप डाल चुके हैं, लेकिन दूसरा पैर भी जाहिर सी बात है आपको जीत के घर में प्रवेश करने के लिए डालना ही होगा। और जाहिर सी बात है जो टीम जीतेगी फाइनलिस्ट कहलाएगी केटी प्रीमियर लीग 2024 की। गेंदबाजी मार्ग पर रोहित, खुदी के फॉलो थ्रू में इस गेंद को स्टॉप करेंगे। बिंदी गेंद डॉट बॉल, गेंद को गैप में ढकेला और गैप में नहीं ढकेला बल्कि इस प्रतियोगिता की विनिंग टीम होगी